जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भ में शिशु अपनी नाड़ी के जरिए ही माँ से जुड़ा होता है। नाभि के बिना उसका जन्म असंभव है। पर जलन को ऐसी ही एक बिना नाभि की औरत मिली और वो उसके प्रेम में मुग्ध हो गया। क्या उनका मिलन नियति थी या नियति के खिलाफ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्ट्राइव। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। मूवी के डायरेक्टर है पान नलिन और IMDb रेटिंग 7.5 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को पूरा एंजॉय करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट पक्का से करें और इंस्टाग्राम में भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी की बात है। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, हिमालय की घाटी से होकर निकलने वाली रेशम मार्ग पे घाट लगाए बैठे हैं कुछ बाघी। काफ़ी देर बाद दूर से एक व्यापारियों का काफिला आता दिखा। अचानक उन पर हमला कर उन्हें लूट लिया गया। लूटे हुए माल में शामिल है कीमती पत्थर, महंगे आभूषण, मोहरे, इत्र, रेशम और बंद बक्से में एक मुखौटा। इन बाघियों के भी कुछ उसूल हैं। वो किसी की भी जान नहीं लेते, औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करते और लूटपाट का सारा सामान सब में बांटा जाता है। और इस दल का सरदार है जलन। सारे लोगों के चले जाने के बाद एक रहस्यमय लड़की उन्हें वहाँ खड़ी दिखी। सब उसे भगाने लगे ताकि वो अपने काफिले में वापस लौट जाए, पर वो चुपचाप वहीं खड़ी है। फिर उसने जलन को देखकर कहा, मैंने तुम्हें सपनों में देखा है। उसका नाम ऊष्णा है। पता नहीं जलन को क्या हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे अपने साथ ले लिया। अब रात को सब आग के पास बैठे बातें कर रहे हैं कि अचानक उन्हें ऐसा लगा कोई आ रहा है। एक तेज रोशनी आसमान में छा जाती है। उन्होंने तुरंत आग बुझा दी और चौकन्ने हो गए, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा और थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी बुझ गई। उसी रात ऊष्णा जलन को अपने साथ रात भी गुजारने देती है। सुबह लूट का सारा सामान समेट कर उसे बेचने के लिए सौदागर के पास जाने की तैयारी हो रही है। साथ ही एक घोड़े में कुछ दिन का खाना बांधकर ऊष्णा को भी रवाना कर दिया गया, ये कहकर कि वापस अपने काफिले के पास चली जाओ। पर ऊष्णा ने कहा, वो मेरा काफिला नहीं है, ना ही वो मेरे लोग हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, पर अफसोस, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। उसने फिर से कहा, मैं तुम लोगों के बहुत काम आ सकती हूँ। अंत में उसे भी बागियों के दल में शामिल कर लिया गया। उसके आने के बाद से उन्हें लूट में पहले से कहीं गुना ज़्यादा मुनाफा होने लगा। एक रात जलन ने उससे पूछा, तुम हमारे किस काम आ सकती हो? ऊष्णा ने कहा, तुम लोग मशहूर रेशम मार्ग में व्यापारियों को लूटते हो, लेकिन रेशम तो फिर भी हिंदुस्तान के बाज़ार में पहुंच रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक और रास्ता है जो तुम लोगों को नहीं पता। जलन को ये जानकर बड़ा ताजुब लगता है। अगले दिन वहाँ के लिए रवाना होते हैं। मीलों का सफ़र तय करके भी मंजिल का कोई अता पता नहीं। बाघियों संग घोड़े भी अब थक चुके हैं। जलन का दाया हाथ जंपा ने कहा, जलन, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हमें ना पता हो। ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। सभी वापस चलने को कहते हैं, पर जलन ऊष्णा का साथ देता है, जिसे देख चंपा को धक्का लगा। लेकिन ऊष्णा सही थी। उस रास्ते में उनके हाथ बहुत बड़ी लूट लगी। सब बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है सब ने ऊष्णा को स्वीकार कर लिया है। बाघियों का उत्पात इतना बढ़ चुका है कि लोग स्थानीय रक्षक यति के पास मदद के लिए गए। लोगों ने जलन के साथ साथ ऊष्णा का भी जिक्र किया। वो लड़की 6 दिन तक हमारे साथ थी। उसने ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही कभी कुछ बोला, और उसकी खूबसूरती तो बस मन मोह ले सबका। यति ये सुनकर थोड़ा चौंका, जैसे ऊष्णा को वो जानता हो। यहाँ जलन धीरे धीरे ऊष्णा के प्यार में कैद होने लगा। अब उसे उसके जिस्म से नहीं, उसके रूह से भी प्यार हो गया। एक रात उसने पाया कि ऊष्णा की नाभि नहीं है, जिसे वो ब्रह्मांड का बिंदु कहता है। अगर तुम्हारी नाभि नहीं है तो तुम अपनी माँ के गर्भ में कैसे थी? ऊष्णा ने कहा, ये मेरे जन्म से नहीं है। अब यहाँ बंदूक के सौदागर से बंदूकें खरीदी जा रही है। अचानक उन पर हमला हुआ जो यति और उसके आदमी कर रहे हैं। वो लोग जान बचाकर वहाँ से भागे, लेकिन उनका एक साथी ताशी पीछे रह गया। जलन उसे लेने वापस मुड़ा, लेकिन ऊष्णा उसका रास्ता रोकते हुए कहती है,
यति ताशी को कुछ नहीं करेगा। मैं यति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ताशी उसका शिकार नहीं है। और फिर उष्णा उन्हें एक और जगह ले गई, जहाँ इस बार वह ऐसी चीज़ लूटेंगे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। रात काटने के लिए एक जगह तंबू लगाया गया। अंधेरे में जलन को ऐसा लगा जैसे उष्णा के साथ बिस्तर पे कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। उष्णा कहती है, इन हवाओं का असर तुम पर हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। अगले दिन उष्णा उसे एक खास आदमी के पास ले गई, जो चेहरा देखकर भविष्य बता सकता है। उष्णा को देखकर उसने कहा, ऐसा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं है। उसके बाद उष्णा ने उसे बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया और बाजार ले आई। वो उसे उन लोगों को चुनने को कहती है जो बहुत नसीब वाले हो। फिर उष्णा ने कुछ मुट्ठी भर चावल उन लोगों की परछाई पर फेंका और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी किस्मत परछाई में कैद होकर उष्णा की परछाई में जा मिली। भविष्य बताने वाला कहता है, चुराई हुई किस्मत ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देती। जब दोनों अपने डेरा पे वापस आए, सभी लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जलन ने जंपा से पूछा, मुझे क्यों किसी ने निकलने की बात नहीं बताई? तुम यहाँ थे ही कहाँ? तुम तो उस लड़की के पीछे घूमते रहते हो। पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या मंसूबा है उसका? उसे सब कुछ पहले से कैसे पता होता है? कब कौन सा काफिला कहाँ से गुजरेगा? चंपा ने कहा, ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनके बीच दरार गहरी हो चुकी है। यहाँ जलन और उष्णा को ढूंढ रहे यति के लोग आकर बताते हैं कि दोनों फिर हाथ से निकल गए, पर यति कहता है, अभी तो शिकंजा कसने भर की देरी है। अगली सुबह यति उनके डेरे पे पहुंचा, पर वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। उसके बाद दोनों फिर से लोगों की परछाई चुराने निकल गए और एक बार फिर उनमें झड़प हो गई। झंपा कहता है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हमने सुख दुख, खाना पीना, लूटपाट सब कुछ आपस में बांटा है, लेकिन अब तेरा और मेरा हो गया है। जलन ने कहा, ऐसा क्या है जो मैंने तुम लोगों के साथ नहीं बांटा? उष्णा, चंपा ने कहा। तभी गुस्से में आकर जलन ने उसे गोली मार दी। दूसरे ही पल उसे अफसोस भी होता है कि ये उसने क्या कर दिया। अब उनके बीच आई दरार दो टुकड़ों में बट जाती है। वो लोग जलन से हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़ी देर में उनका पीछा करता हुआ यति भी वहाँ पहुँच गया। उष्णा और जलन वहाँ से भागते हैं। पुल पार करते वक्त जलन पानी में गिर गया और तेज बहाव से दूर निकल जाता है। दोनों के अलग होते ही उष्णा जैसे हवा में गायब हो गई। रात में यति के खेमे में जलन का पता पूछने उष्णा आई। यति ने कहा, तुम्हारी ये रूहानी हुस्न भी जलन को तुम्हारा नहीं बना पाएगा। उष्णा कहती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये मुमकिन नहीं। और यति के कुछ करने से पहले एक बार फिर उष्णा ओझल हो गई। यति को उष्णा की ही तलाश थी, पर क्यों? कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जलन की जान बचाई। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आया, उसने एक भिक्षु को कहते सुना, ऊपर पहाड़ों की गुफा में आत्मा नाम का एक भिक्षु लोगों की सांस कैद करके अमृत बनाता है। उसने तभी मन में ठान ली, एक दूसरे से कभी अलग न होने के लिए उन्हें वो अमृत चाहिए। इधर उष्णा जलन को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है और उसे फूलों की घाटी चलने को कहती है, जहां मौत तक उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पर जलन को उष्णा से मौत के बाद भी अलग नहीं होना। वो उसे आत्म भिक्षु के बारे में बताता है जो सुनसान घाटी में रहते हैं। पर खामोश उष्णा की आंखों में आंसू है, जैसे उसे कुछ पता है। सुनसान घाटी, जहाँ इंसान की आवाज़ के अलावा और किसी की आवाज़ नहीं गूंजती, सारे शोर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। ध्यान में बैठे आत्म भिक्षु से वो अमृत चुराकर दोनों ने पी लिया। जलन भविष्य के लिए थोड़ा सा अमृत अपने पास रख लेता है। अगली सुबह उनकी आँख खुलने से पहले यति वहाँ पहुँच चुका है। यति डमरू और कांगलिंग की मदद से एक तांत्रिक विधि करने ही वाला था कि उसे समझ आ गया ये सुनसान घाटी है। फिर मगरूर जलन ने कहा, तुम क्या मुझे मारोगे? यति कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बचाने आया हूँ।
पर जलन अपनी अमृता दिखाने के लिए उष्णा को उस पर गोली चलाने को कहता है और उसे कुछ नहीं होता। फिर वो भी उष्णा को निशाने पे लेता है। यति उसे रोकने की कोशिश करता है पर गोली चल चुकी थी। अमृत रस पीने के बावजूद उष्णा मर जाती है। जलन को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। यति कहता है, आज तुम दोनों ने फिर गलती कर दी, अमर रहो, यही तुम्हारी सजा है। यति लोगों से अलग हो गया और धीरे धीरे पूरे कपड़े त्याग देता है, मानो उसका मनुष्य शरीर लेने का मकसद पूरा हो गया। हवाओं में वो विलीन हो गया। दिन, महीने, साल, दशक, शताब्दी गुजर जाती है पर जलन वैसे का वैसा ही रह गया। वर्तमान समय में वो जापान में रह रहा है और लोगों पर यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु करता है। ऐसे लोग जो किसी रोग से पीड़ित है उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलवाता है। अपने पेशे की वजह से वो बहुत बदनाम भी है। शायद उसने ये पेशा इसीलिए चुना क्योंकि वो खुद इस पीड़ा से रिहाई चाहता है। उष्णा जो बार बार जन्म लेती है पर उसे कुछ याद नहीं रहता, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी तकलीफ की वजह क्या है। 197 साल बाद उष्णा के 5वें अवतार को यति ने ढूंढ निकाला और उसे उसके जन्म का उद्देश्य बताया, उसे याद दिलाया कि वो कौन है। एक बार फिर उष्णा जलन के सामने जा खड़ी हुई। जलन के इतने सालों का इंतज़ार खत्म हुआ, कहीं फिर से वो उसे खो ना दे। वो उष्णा को वही बचा हुआ अमृत रस पिलाता है और खुद भी पीता है। सुबह दोनों एक बौद्ध मठ में जागते हैं और वहाँ एक बार फिर यति को इतने सालों बाद सामने देखकर जलन सहम गया। वो जलन को एक सफ़ेद फूल देता है। दोनों जैसे ही बाहर निकले फूलों के ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में जलन मारा गया और उष्णा बच गई। रोते हुए वो यति के पास आई और कहा, आपने मुझे ऐसा होगा नहीं कहा था। यति कहता है, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ, सृष्टि का संतुलन फिर से कायम हुआ। उष्णा यानी आग से ही जलन की शुरुआत होती है। उष्णा एक अनश्वर रूह है जिसने कुदरत का दस्तूर तोड़कर एक हाण मांस के इंसान से प्यार किया। यही कारण था कि उष्णा की नाभि नहीं थी, क्योंकि ना ही उसका जन्म हुआ है, ना वो किसी को जन्म दे सकती है। जलन को उष्णा के उस रूप से प्यार हुआ जो एक छलावा भर था, इसीलिए उष्णा को सब पता रहता, कहाँ कब क्या होने वाला है। धीरे धीरे जलन गलत रास्ता लेने लगा और इस तरह वो अपने तकदीर का रुख मोड़ने लगा। उनके जुनून ने उनका सुकून छीन लिया। जब तुम कायनात के खिलाफ जाते हो वो भी तुम्हारे खिलाफ काम करता है। अमृत पीने के बाद उनकी जिंदगियां आपस में ही बदल गई। ये उन दोनों की सजा थी। जलन अमर हो गया था और उष्णा नश्वर। उष्णा को इस मृत्यु और जन्म के चक्र से बार बार गुजरना पड़ा। जबकि यति भी कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक रूह है। बुद्धिज्म में इन्नो ग्योजा नामक यामाभूषी थे, यानी पर्वतों पर रहने वाले सन्यासी। एक समय ऐसा आया जब वो निर्वाणा के योग्य हो गए, किंतु उन्होंने निर्वाणा का त्याग किया क्योंकि दुनिया में इतना दुख दर्द है, फिर वो इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। और एक समय बाद जब उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा तो वो एक रूह रह गए। यति उन्हीं की रूह है जो समय समय पर रूप लेकर मनुष्य की मदद करता है। जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है वो रूप लेते हैं उस संतुलन को दोबारा स्थापित करने। अंत में यति वही पुरातन डमरू बजाता है और उष्णा मनुष्य शरीर का त्याग कर अपनी जगह वापस चली जाती है। शुरुआत में दिखाए गए मुखौटे को यति ने तोरी पे टांग दिया। ये मुखौटा उष्णा को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार तोरी इस लौकिक जगत और उस आलौकिक जगत के बीच का प्रवेश द्वार है। उस रूहानी प्रेत को वापसी का रास्ता मिल गया और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।